चाइना सी में तनाव के बीच अमेरिका जापान का युद्ध अभ्यास। सी ऑफ जापान में एक साथ उड़े अमेरिका जापान के फाइटर जेट्स। चार अमेरिकी F-16 फाइटर समेत 8 जेट्स ने भरी उड़ान। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट के बाद अमेरिका और जापान ने दिखाई ताकत। अब ये जो ड्रिल्स चल रही हैं और एक दूसरे को तू नहला पटक रहा है तो मैं दहला पटकूंगा सिंह साहब, इसी में तो ब्रिंकमैनशिप कब हाथ से आगे निकल जाती है और दुनिया खतरे में चली जाती है, इसलिए तो हम वॉर वॉल्केनो कह रहे हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये वॉल्केनो जो आप किसी दूसरे देश को अपनी क्षमता दिखाने जाते हैं तो इसके लिए युद्धाभ्यास किया जाते हैं, क्योंकि युद्ध से बहुत पहले आप दिखाते हैं दुश्मन को अपनी ताकत। तो ये चीज़ें जो हैं आप देखिए, इसका ये जापान और यूएस ने जो अभी फाइटर जेट उड़ाए हैं ये किसके रिएक्शन में है। जब क्वाड समिट अभी हुई थी जापान टोक्यो में, उसी समय रशिया और चाइना ने मिलकर अपने जहाज उड़ाए थे तो ताइवान के क्षेत्र में, ये दिखाने के लिए कि उस एरिया में आप जापान के एरिया में आके अगर आप क्वाड समिट कर रहे हैं, हमें आप प्रेशर दिखाने जाते हैं तो हमारा भी एक काउंटर प्रेशर है। तो ये एक तरह से काउंटर प्रेशर चल रहा है और इसके बीच में कहीं एक बहुत बड़ी भूल हो गई, कहीं एक चूक हो गई, कहीं से किसी ग्राउंड डिफेंस सिस्टम में फायर कर दिया तो एक बहुत बड़े वॉर में तब्दील हो सकता है। ये जो आप काउंटर वेट की बात कर रहे हैं सर, मुझको तो वो बंदर और बिल्ली वाली बात याद आ गई जिसमें वो रोटी बांटी जाती है, बस, एक बार रोटी इधर की ज्यादा हो जाती है, एक बार उधर की ज्यादा हो जाती है और वो जिस तरीके से अपने आप को फायदा पहुंचाया जाता है, बेचारे जो मांगने वाले वहां इंसाफ मांगने आते हैं वो बस ठगे से खड़े रह जाते हैं। जरा ये अहम खबर देखिए, योगेश सर मैं आपके पास आने वाला हूं। यह खबर बताने के बाद चीन के तनाव के बीच जापान की नेवी का एक्शन। समंदर के ऊपर जापानी एयरक्राफ्ट ने दिखाई ताकत। जापान की नेवी ने जारी किया ड्रिल का वीडियो। एमएस गुप्ता, ये जो ड्रिल्स चल रही हैं, उधर अभी अभी चाइना ने रूस के साथ जो दिखा दिया हवाई जौहर, और साथ में कैसे इन्वेड करेगा वो आने वाले दिनों में ताइवान को, इसके लेकर प्रॉपर ड्रिल की है उसने। ड्रिल के मामले में भारी कौन पड़ रहा है सर? देखिए दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, और आपने अभी ये जो चर्चा की ताइवान के बारे में, ये ताइवान के बारे में जो है डेलिबरेट एम्बिग्विटी अमेरिका मेंटेन कर रहा है। एक तरफ तो वो ताइवान को जो है सब तरह से मदद दे रहा है, मिलिट्री मदद दे रहा है और तरह से मदद दे रहा है, दूसरी तरफ वो एम्बिग्विटी बनाए रखे है कि भाई हम जो है ताइवान के फेवर में जो है वो इंटरवीन नहीं करेंगे मिलिटरली, जिससे कि चीन जो है ज्यादा भड़के मत। तो ये एक डेलिबरेट पॉलिसी है। और जहाँ तक ये ड्रिल्स की बात है तो जापान और अमेरिका जो है उन्हें ये साफ कर दिया है, अपनी मंशा साफ कर दी है कि अगर चाइना जो है ताइवान को जबरदस्ती ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है मिलिटरली जी, तो वो इसका जवाब देंगे, वो इसके बारे में वो इस पर इंटरव्यू करेंगे और हर तरह से वो अभी भी ताइवान को मदद कर रहे हैं और बाद में भी कर रहे हैं। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।